भारत को लेकर पाक पीएम इमरान खान अपने कप्तान सरफराज अहमद पर ही भड़क उठे। नमस्कार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, इस विश्व कप के दौरान ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो पाई थी, बल्कि इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जमकर मजाक उड़ाया गया था। खास करके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब उनकी टीम सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा, परंतु अब वह अपने कप्तान सरफराज अहमद पर अचानक ही भड़क उठे। दरअसल पाकिस्तान को 1992 में एकमात्र विश्व कप जिताने वाले पाकिस्तानी कप्तान और मौजूदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के खिलाफ विश्व कप में मिली हुई हार को नहीं भूल पाए हैं। राजनीति की पिच पर उन्हें लगातार शिरकत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक भाषण में सरफराज अहमद को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि विश्व कप में भारत और पाकिस्तान मैच से पहले इमरान खान ने पाकिस्तानी टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को कहा था, परंतु सरफराज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और फिर मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपने एक भाषण के दौरान इमरान खान ने सरफराज के बारे में कहा, हार का डर आपको अलग तरह की रणनीतिक नकारात्मक रक्षात्मक होने पर मजबूत कर देगा, जैसे कि हाल ही में विश्व कप के दौरान हमारे कप्तान ने कहा है कि टॉस जीतकर उससे पहले बल्लेबाजी चुनी ना कि विरोधी टीम को गेंदबाजी करने के लिए कहा। ये सभी चीजें मानसिकता से जुड़ा हुआ होता है। आपको याद दिला दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप में खेले गए मैच के दौरान पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद भारत ने धमाकेदारी बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 336 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर डाला। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम इस मैच में 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।